जय माता दी। आइए नजर डालते हैं फटाफट कुछ 20 खबरों पर। यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की से मिले जापान के पीएम G7 समिट का भी न्योता। जिनपिंग का प्लान, रूस यूक्रेन जंग खत्म करा सकता है, पुतिन बोले शांति तभी आएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत में भूकंप तीव्रता 6.6, 302 लोग घायल। लंदन में खालिस्तानियों के खिलाफ विरोध, सैकड़ों भारतीयों तिरंगा लेकर इंडियन हाई कमीशन पहुंचे। दिल्ली का 78,000 करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने सिसोदिया को राम बताया। नवरात्रि पर विद्यावासिनी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सीएम योगी ने देवी पाटन में पूजा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर 36 FIR दर्ज, 6 गिरफ्तार। अमृतपाल ने हुलिया बदला, दाढ़ी छूटी की, बाइक पर फरार होने की तस्वीर सामने आई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार। ममता की ओडिशा यात्रा, जगन्नाथपुरी में दर्शन करेंगी। उत्तराखंड में इको टूरिज्म पर बैठक, इको टूरिज्म से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। कैला देवी के दर्शन के लिए आगरा से जत्था रवाना। आगरा में आलू किसानों को नहीं मिल रहे खरीदार, कर्ज में डूबे किसान बोले सरकारी रेट जुमला। आगरा रिटायर्ड सीओ से ब्लैकमेलिंग कर 6 लाख की वसूली, आगरा में महिलाओं का गिरोह सक्रिय। 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक, सालाना क्लोजिंग के लिए RBI का आदेश। फैशन इंडस्ट्री में शानदार तेजी, सिर्फ 8 महीने में फैशन रिटेलिंग कंपनियों की आय 55 बढ़ी। UBS को गारंटी कवर दे रही स्विस सरकार, $108 बिलियन का लोन भी देगी सरकार। 12 शहरों में होंगे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच, 5 अक्टूबर को होगी टूर्नामेंट शुरुआत। साउथ अफ्रीका के बाद 2 महीने तुर्की में प्रैक्टिस करेंगे नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी। नव्या नवेली बैंकिंग विज्ञापन और शॉर्ट फिल्म के लिए दादा अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगी। फटाफट 20 खबरों में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात।